हेलो गाइस, आई एम नैना। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ कस्टर्ड आइसक्रीम। ये मैं नहीं बना रही, मेरी बुआ बना रही है। हम बच्चों को आइसक्रीम बहुत पसंद होती है, इसीलिए इसका वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो और मैं कुछ बताना भूल गई हूँ तो आप मेरी बुआ से कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, एंड अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। चलो अभी रेसिपी देखना शुरू करते हैं। कस्टर्ड आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए दूध, चीनी, क्रीम, कस्टर्ड पाउडर, टूटी फ्रूटी, मिक्स फ्रूट एसेंस, येलो फूड कलर। सबसे पहले हम एक बाउल में थोड़ा सा दूध लेंगे और उसके अंदर कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करेंगे। 2 स्पून कस्टर्ड पाउडर लेंगे, उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये ठंडा दूध होना चाहिए, अगर गर्म दूध होगा तो इसके अंदर गांठें पड़ जाएंगी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक इसके अंदर गांठें ना रहें। उसके बाद हम एक पैन में दूध डालेंगे और इसे तब तक उसको गैस को फुल पर रख लेंगे और जब तक ही इसमें उबाला ना आए। इसमें अब धीरे धीरे उबाला आ रहा है, इसमें उबाला आ गया है। अब हम गैस को सिम कर देंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे चीनी, हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे कस्टर्ड और जो ठंडे दूध का हमने मिक्सचर बनाया था, अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे फूड कलर। अब हम इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। अब ये गाढ़ा हो गया है, अब हम इसे ठंडा करेंगे। आप इसे फ्रूट डालकर एज अ कस्टर्ड भी खा सकते हैं। ये ठंडा हो गया है, अब हम इसे डालेंगे मिक्स फ्रूट एसेंस, हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसे एयर टाइट बॉक्स में डालेंगे, इसीलिए कि हम आइसक्रीम जमाए तो इसमें बर्फ ना आए। अब हम इसे 4-5 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखते हैं। अब हमने 4-5 घंटे बाद फ्रिज से निकाला है तो इसके ऊपर थोड़ी बहुत वो बर्फ आ गई है, थोड़ी बहुत हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार है। अभी हम इसे और जमाएंगे, हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब हम इसे एक मिक्सी जार में आइसक्रीम को डालेंगे। ये आइसक्रीम डालने के बाद हम डालेंगे क्रीम। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे, हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे फिर से हमारे उसी बॉक्स में डाल देंगे। अब हमने इसे बॉक्स में डाल ली है। अब हम इसके अंदर डालेंगे टूटी फ्रूटी, अब हम इसे मिक्स करेंगे। थोड़ी सी और टूटी फ्रूटी डालेंगे। अब हम इसके ऊपर क्लिंग रैप लगाएंगे। अगर आपके पास क्लिंग रैप ना हो तो आप फॉइल रैप भी लगा सकते हैं, पॉलिथीन शीट भी लगा सकते हैं। इसे हम आइसक्रीम के बिल्कुल साथ लगाएंगे कि पहले हमारी बॉक्स के कैप पे थोड़ी सी बर्फ जम गई थी तो इस बार ना जमे। अब हम इसके ऊपर कैप लगाएंगे, इसे हम पूरी रात फ्रीजर में रख देंगे। सुबह हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार है, हम इसे खोलेंगे। अब इसमें बिल्कुल भी बर्फ नहीं जमी है, देख सकते हैं कितने अच्छे से आइसक्रीम जमकर तैयार है। अब हमने इसे सुंदर सुंदर आइसक्रीम वाले गिलासेस में सर्व किया है। अब हम इसे टूटी फ्रूटी इसके ऊपर गार्निश करेंगे। आप इसके ऊपर बादाम, पिस्ता भी लगा सकते हैं। अब हम ऐसा सेम आइसक्रीम गिलास रेडी करते हैं। यह गिलास एक मेरी बुआ का है और एक मेरा है। अब हमारा दूसरा आइसक्रीम ग्लास भी रेडी है, ये हमने इसे सर्व कर लिया है। ये आइसक्रीम बहुत ही सुंदर लग रही है, मैंने इसे खाया था, ये बहुत ही क्रीमी थी और ये बहुत ही अच्छी थी।
आप ये आइसक्रीम एक बार जरूर बनाना, मेरी रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरी बुआ की बनाई हुई आइसक्रीम अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर माई वीडियो, एंड अगर आप हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।